नमस्कार दोस्तों, द स्पीड ऑन रॉक्सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर में हम लोग लगातार अपना एक एक कदम बढ़ाते हुए परीक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं और अपनी तैयारी की तरफ भी अग्रसर हो रहे हैं। हमारी जो सीरीज चल रही है फिजिक्स की, आज उसका दूसरा और आखिरी पार्ट है। पहले पार्ट में हमने 32 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, आज उसके आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पास्कल के नियम का ज्ञान होना चाहिए। तो कौन सा खिलाड़ी है जिसके पास पास्कल का ज्ञान होना ज़रूरी है? तो वो है स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग में जो है, अगर आदमी को पास्कल का ज्ञान है तो वह जो है स्कूबा डाइविंग अच्छे से कर सकता है। जैसे अगला है कि सामान्य दृष्टि के लिए मनुष्य को सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो सामान्य दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि द्रवचालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो द्रवचालित जो लिफ्ट होती है, द्रवचालित लिफ्ट, ये जो है हमारा पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। फिर आगे उसी तरह क्वेश्चन देखिए कि किस तापमान पर सेल्सियस तथा फारेनहाइट स्केल का अंकीय मान समान होता है? तो जो -40 सेंटीग्रेड है, इस पर जो हमारा डिग्री सेल्सियस है और जो फारेनहाइट है, दोनों का मान सेम होता है। और उसी तरह अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? जैसे पारसेक दूरी का मात्रक है, ठीक उसी तरह बैरल तरल का मात्रक है और प्रकाश समय का मात्रक है। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा हमारा युग्म गलत है। तो देखिए, जो तीसरा वाला है प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है, इसीलिए जो है ये हमारा गलत है। आगे शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का हमको सबको पता है कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। फिर आगे देखें कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाले कवच का काम क्या करता है? तो जो पराबैंगनी परत होती है हमारी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है, इसको जो है समताप मंडल जो है इसका कवच के रूप में कार्य करता है, क्योंकि जो ओजोन मंडल है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है, ओजोन परत। फिर उसी तरह केल्विन को मापने के लिए इकाई क्या है? तो केल्विन जो है, केल्विन से हम क्या नापते हैं? तो केल्विन चूंकि ताप का मात्रक है, तो इसीलिए ताप मापा जाता है। फिर आगे देखें कि केल्विन ताप मापने की इकाई है। केल्विन पैमाने पर परम शून्य तापमान तब होता है जिस पर सभी ऊष्मीय गति ऊष्मागतिकी के पारंपरिक परिभाषा से मिलान करती हैं। फिर वहीं देखें तो तापमान माप की अन्य इकाइयों की तुलना से 0 केल्विन, -273.5 डिग्री सेल्सियस या -45 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। मतलब 0 केल्विन जो है ये -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है और -45 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। फिर वहीं देखें कि यदि गृह कक्षा दीर्घवृत्त हो तो बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है? तो अगर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में है तो जहाँ पे सूर्य रहेगा उसे जो है हम क्या कहेंगे, उसे फोकस कहते हैं, सूर्य उसके फोकस पर रहता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कितने गुना होता है? तो जो सर्पी घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण के जो है कम होता है, स्थैतिक घर्षण से, ठीक। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर किसी वस्तु को धकेलना या खींचना कहलाता है? तो किसी वस्तु को धकेलना या खींचना जो है उसका बल कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है, देखिए वो परिभाषा दी गई है बल की, कि यदि किसी वस्तु को खींचना या धकेलना हो उसे बल कहते हैं। उदाहरण के लिए पैरों को और जमीन के बीच घर्षण बल इसका एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विशेषता दो संगत सिलों के बीच की दूरी को बताती है। तो किस में बताती है? जो हमारा इस सेल स्पेसिंग है, इसकी जो है विशेषता दो सिलों के बीच की दूरी को बताती है। फिर वहीं देखें तो गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बल की प्रबलता इसके से मापी जाती, किससे मापी जाती? बल की प्रमाणता जो प्रबलता होती है उसके परिमाण से मापी जाती है। जैसे 10 न्यूटन बल, 15 न्यूटन बल, तो जो 10, 15 ये सब है ये उसका परिणाम है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज जो की गई थी वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। अगर हम एक ट्रिक की बात करें तो एक ट्रिक है ईटा पर नाचे।
ईटा पंदाचा मतलब ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टी का मतलब टॉमसन, प का मतलब प्रोटॉन, र का मतलब रदरफोर्ड, न का मतलब न्यूट्रॉन, च का मतलब जेम्स चैंडविक। अगला क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है, प्रोटॉन की खोज 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। एक प्रोटॉन एक सूक्ष्म कण है जिसका प्रतीक पी है या पी पॉजिटिव। धनात्मक वैद्युत आवेश एक इलेक्ट्रॉन होता है। द्रव्यमान न्यूट्रॉन की तुलना में थोड़ा कम होता है। और यूजीन गोल्डस्टीन ने धनावेशित कणों की खोज की, लेकिन इस बात के स्पष्ट विचार नहीं दिए थे। ठीक, फिर आगे देखें तो यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल स्थिर रहती है तो उस वस्तु की चाल को क्या कहते हैं? तो उस वस्तु की चाल को एक समान चाल कहा जाता है। अगर गति स्थिर है तो वस्तु की चाल अगर स्थिर है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। वहीं आगे देखें, वाहनों के पार्श्व दर्पणों में किस प्रकार का मिरर इस्तेमाल किया जाता है? जैसे साइड मिरर, जिससे हम लोग पीछे देखते हैं, बाइक में लगे रहते हैं, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर वहीं आगे इसकी विषय में चर्चा देखें तो उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण या फिश आई दर्पण है, एक घुमावदार दर्पण होता है जिसमें प्रकाश स्रोत की ओर सतह उभरी होती है। उत्तल दर्पण प्रकाश को बाहर की ओर परावर्तित करते हैं, इसलिए उनका प्रयोग प्रकाश को केंद्रित करने के लिए नहीं किया जाता। इस प्रकार दर्पण हमेशा एक आभासी छवि बनाते हैं। एक कार पर यात्री साइड दर्पण आमतौर पर एक उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण वाहनों में लगाए जाते हैं क्योंकि वे एक सीधी हालांकि छोटी छवि दिखाते हैं। इसके अलावा वे देखने का एक व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हैं क्योंकि वे बाहर की तरफ घुमावदार होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो औसत वेग है उसका जो सूत्र है u+v/2, इसमें u का मतलब क्या हुआ? देखिए, जो u+v/2 है इसमें u हमारा प्रारंभिक वेग है और v हमारा अंतिम वेग है। ठीक, v हमारा अंतिम वेग है और u हमारा प्रारंभिक वेग है। अगला क्वेश्चन है कि यदि वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर वस्तु पर बल लगाया गया है और वो विपरीत दिशा में लगाएगा तो वस्तु की जो गति होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी हमारी। फिर अगर इसके विषय में बात करें तो किसी ऑब्जेक्ट को खींचने या धकेलने को बल कहते हैं। एक वस्तु की आकार आकृति को बदल सकता है। एक ही दिशा में एक वस्तु पर लागू बल एक दूसरे से जोड़ता है। यदि दोनों बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उस पर शुद्ध बल दोनों शक्तियों के बीच का अंतर होता है। मतलब एक अगर लेफ्ट साइड से खींचा जाए, एक राइट साइड से खींचा जाए, तो जो उसमें जो है बल है उसका जो खिंचाव रहेगा वो हमारा कम हो जाता है, दोनों के अंतर के बराबर रहेगा। दोनों सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल, मतलब दोनों सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल बढ़ता है। कब बढ़ेगा दोनों सतह के बीच घर्षण बल लगने पर? तो जब जो है दोनों पृष्ठ बलपूर्वक दबाए जाएं। आगे संपर्क बल को और कुछ बल कहा जाता है। तो संपर्क बल को और किस नाम से जाना जाता है? तो संपर्क बल को ही घर्षण बल के नाम से जाना जाता है। फिर पर्दे पर प्राप्त करने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? तो अगर जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ किस प्रकार होता है? तो अगर नियत चाल से गति की जाएगी तो जो दूरी समय ग्राफ होगा वो हमारा एक सरल रेखा होगा। जैसे ये अगर दूरी है और ये हमारा जो है समय है, तो जो नियत चाल रहेगी वो हमारी इस तरह रहेगी, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी हमें। फिर आगे देखें, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान किससे चलेगा, एक समान गति से चलेगा या वेग से चलेगा? तो एक समान गति से चलेगा, जिसको चाल बोलते हैं। तो एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। फिर वहीं देखें तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण वाला जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा पार्श्व परिवर्तन प्रतिबिंब बनता है। फिर वहीं देखें तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन प्रतिबिंब है, और पार्श्व परिवर्तन प्रतिबिंब के कारण बाईं दाएं और इसके विपरीत दिखाई देते हैं। इस घटना के लिए सबसे अच्छा उदाहरण सेविंग दर्पण है, जिसमें दोनों उल्टे हो जाते हैं। समतल दर्पण एकमात्र प्रकार का दर्पण है जिसके लिए एक वास्तविक वस्तु हमेशा एक छवि का निर्माण
करती है, जो कि किस तरह होती है, समान, आभासी तथा सीधा होता है। फिर वहीं अगला क्वेश्चन देखें तो तरलों में तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं, तो जो तरल द्वारा बल लगाया जाता है उसे हम कर्षण कहते हैं या ड्रैग कहते हैं। फिर वहीं अगला क्वेश्चन है कि उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं, तो देखिए जो हमारा गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण को ही काट करके बनाया जाता है, जैसे गोलीय दर्पण है हमारा, इसको जब हम काट देंगे तो जो ये वाला भाग है हमारा, ये हमारा उत्तल दर्पण होगा और ये हमारा अवतल दर्पण होगा। फिर वहीं अगला क्वेश्चन देखिए, उसके विषय में बताया गया है कि उत्तल और अवतल दर्पण गोलीय दर्पण के उदाहरण है, यदि सतह के अंदर गोलीय दर्पण परावर्तन हो, अंदर अगर सतह के अंदर ही अंदर के भाग से परावर्तन हो, जैसे ये है, तो अगर अंदर भाग से परावर्तन होगा तो ये हमारा अवतल दर्पण, और वही अगर बाहरी सतह से परावर्तन होगा तो ये हमारा उत्तल दर्पण होता है। फिर देखिए जे जे थॉम्सन ने किसकी खोज की थी, तो अभी हमने बताया ईटा पर नाचे, तो जो हमारे थॉम्सन है ये हमारे किसकी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की थी। फिर वहीं टीवी रिमोट जो है वो किस पर कार्य करता है, तो टीवी रिमोट जो है हमारा कंट्रोल इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के सिद्धांत पर काम करता है, किस पर, कंट्रोल इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के सिद्धांत पर काम करता है। ये जो है आईआर मतलब आईआर लेड सर्किट बोर्ड के अंत से जुड़ा होता है, जो इंफ्रारेड लाइट आईएल मतलब कि इंफ्रारेड लाइट का उत्सर्जन करता है, जो टीवी के रिसीवर पर रखा सेंसर द्वारा अनुभव किया जाता है। फिर आगे देखिए कि ऊष्मा गतिकी के पहले दो नियमों को संहिताबद्ध किया गया और निष्कर्ष दिया गया कि परम शून्य तापमान -273.15°C है, इसके लिए केल्विन तापमान स्केल का नामकरण से सम्मानित किया गया था, तो किससे सम्मानित किया गया था इसको, तो इसको जो है हमारा विलियम थॉम्सन ने सम्मानित किया था। फिर वहीं अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो जो पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा है उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, भू मतलब पृथ्वी से, तापीय ऊर्जा मतलब प्राप्त ऊर्जा। फिर आगे सूर्य का तापमान लगभग 70% किससे होता है, बना होता है, तो सूर्य में जो है चूँकि हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारा हाइड्रोजन रहता है और हमारा उसके बाद हीलियम रहता है। फिर वहीं अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की माप इकाई क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की माप इकाई जो है वो टेस्ला है। ठीक, तो ये है हमारा, और स्टैटिक जीके की जो क्विज है वो पीछे पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फिजिक्स का जितना भी क्वेश्चन था हमने जो है दो वीडियो में अपना पूरा ख़त्म कर दिया है, आज तक जितने पूछे गए 2017 और 18 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हमने इस दोनों क्विज में डाल दिए हैं। धन्यवाद।